बॉलीवुड से लेकर हॉलीवुड तक में अपनी एक्टिंग से सबको दीवाना बनाने वाली एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा शादी के बाद से ही लॉस एंजलिस में रहती हैं। लेकिन खास मौके पर प्रियंका इंडिया आना एकदम नहीं भूलती हैं। अभी हाल ही में खबर आई थी कि प्रियंका एक्ट्रेस परिणीति चोपड़ा और राघव चड्ढा की शादी में आएंगी, लेकिन ऐसा किसी कारण हो नहीं पाया। बता दें कि इसके बाद अब फिर उनके इंडिया आने की खबर सामने आ रही है। प्रियंका ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल से एक स्टोरी शेयर की है, जिसके बाद ये चर्चा तेज हो गई है। वहीं प्रियंका कुछ महीनों पहले अपनी बेटी मालती मैरी के साथ इंडिया आई थी। इस दौरान प्रियंका और उनकी बेटी मालती मैरी की कई तस्वीरें भी वायरल हुई थी। इसके बाद अब वह फिर से इंडिया आने वाली हैं। उन्होंने इंस्टाग्राम पर एक स्टोरी शेयर की है। इस स्टोरी में वो इंडियन पासपोर्ट और फ्लाइट बोर्डिंग हाथ में लिए हुए नजर आ रही हैं। इस स्टोरी के साथ उन्होंने मुंबई लिखकर उनके साथ एक प्यारा सा इमोजी भी बनाया है। खबरों के मुताबिक प्रियंका इंडिया मामी मुंबई फेस्टिवल के लिए आ रही है। वह इस इवेंट की शुरुआती रात को होस्ट करने वाली है। ये इवेंट नीता मुकेश के अंबानी सांस्कृतिक केंद्र में रखा गया है। प्रियंका की इंडिया आने की खबर से फैंस काफी खुश दिखाई दिए। प्रियंका जब लास्ट टाइम इंडिया आई थी तब उनके साथ उनकी बेटी मालती मैरी नजर आई थी, लेकिन इस बार मालती मैरी उनके साथ आने वाली है या नहीं, इसको लेकर अभी तक कोई खबर सामने नहीं आई है। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट के लिए वायर टॉक को भी सब्सक्राइब करें।